और जहाँ तक प्लान की बात है तो बाबर भाई से बॉल टू बॉल बात हो रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा क्या करोगे हर एक बॉल पे, तो मैंने कहा मुझे अपने यॉर्कर्स पे कॉन्फिडेंट है तो मैं उस पर करता रहूँगा। जब तक वहाँ से हमें बाउंड्रीज नहीं लगेंगी तो हम अपना प्लान चेंज नहीं करेंगे। और ये दो विकेट्स हैं, अगर यहाँ पे जैसे ही उन्होंने मुझे दूसरे ओवर के लिए बुलाया तो मुझे कहते हैं मुझे यहाँ पे एक विकेट चाहिए, तो मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेंगे। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने इज्जत दी, मैंने कोशिश की, अल्लाह ताला उसके लिए सिला मिल गया। पूरे टूर्नामेंट में पेशावर जर्मी की जो बॉलिंग था स्पेशल, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क होंगे, अच्छे खासे टारगेट आप लोगों से वो चेज हुए, तो ऐसे ही क्या बाबर आजम ने पूरी टीम को बूस्टअप किया कि तमाम बॉलर्स ने एक शानदार कमबैक किया आज? देखें बाबर भाई ने जब बैक टू बैक 240 भी इवन चेज हुआ तो तब भी उन्हें अपने बॉलर्स पर बिलीव था और उन्होंने हमें बैक किया कि आप लोगों ने ही पहले, कोई मसला नहीं है, ये क्रिकेट है, हम अगर जिस मैच में हम हार जाते थे तो हमें कहते थे कि समझें कि आपका बैड डे है, तो आप अपने आप को लेट डाउन ना करें क्योंकि आप लोग बेस्ट हैं तो इधर हैं और आप ही बेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने हमेशा से हमें बैक किया और शायद उनका बैक करना ही हमारे हर बॉलर के लिए काम आया और आज यहाँ पे एलिमिनेटर में हमने उन सबको, उन जो हमें देना चाहिए था हमने उनको दिया, वापस दिया।